कोहलार स्लॉ का उपयोग लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए, पता करने के लिए कोहलार स्लॉ का ये पहला यूज है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पता करने के लिए कुछ फॉर्मूला जो नीचे दिया गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया कि 40 मोल में सिर्फ और सिर्फ 4 मोल ही टूटा, ये हमारा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि 40 मोल लिए थे उसमें सिर्फ 4 मोल ही टूट गया, तो वो हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से इंडिकेट करते। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन जैसे ऊपर थे लैम्डा एम सी, तो अल्फा बराबर हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर हो गया लैम्डा एम सी और लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी को मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, लैम्डा एम भी लिख सकते हैं। घोल का कंडक्टिविटी दिए गए मात्रा पर लैम्डा एम नॉट हो गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका? सॉल्यूशन का। लैम्डा एम सी हो गया हमारा कि दिया गया मात्रा घोल का मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट हमारा हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका? घोल का। तो अल्फा बराबर हो गया अल्फा बराबर हो गया टूटे हुए मोल्स की संख्या, बटा घुले हुए मोल्स की संख्या। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट को पता लगाने जा रहे हैं, मतलब ज्ञात करने जा रहे हैं। माना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है हमारे पास, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो ए बी कोई मॉलिक्यूल है जो ए और बी कंपोनेंट के रूप में टूटा है। मानते ये मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, बी नॉन मेटल तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। तो ए एक आइटम है इसीलिए एक से गुना कर दी, बी के पास भी एक आइटम है तो ये एक से कोफिशियंट से गुना कर दी, ये हमारा हो गया वन कोफिशियंट, ये भी हो गया हमारा वन कोफिशियंट। ये हो गया हमारा शुरुआती कंसंट्रेशन, शुरुआती दौर में लिया गया मात्रा, तो कंसंट्रेशन के रूप में सी लिए। तो अभी कंसंट्रेशन मात्रा लिया गया, तुरंत रिएक्शन तो होता नहीं, इसलिए अभी हमारा प्रोडक्ट जीरो है, मतलब अभी तक कोई प्रोडक्ट हमारा नहीं बना हुआ है। मानते हैं कि कंसंट्रेशन हमारा 10 मोल है और वो 4 मोल में टूट गया है, तो कंसंट्रेशन की जगह हम 10 मोल लिए और उसमें से 4 टूट गया, तो इसको क्या 10-4 लिख सकते हैं। उससे कंसंट्रेशन के रूप में सी लिए, अभी प्रोडक्ट कुछ नहीं बना इसलिए 0-0 लिखे, और अभी प्रोडक्ट के रूप में सी जो कंसंट्रेशन वो टूट के सी अल्फा के रूप में हम लोग को प्राप्त हुआ। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर कंसंट्रेशन में से सी अल्फा प्रोडक्ट को घटा दिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार
डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा है मोलर कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर। चाहे मोलर कंसंट्रेशन को कैपिटल एम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन है ये ब्रैकेट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर हो गया प्रोडक्ट के रूप में क्या दिया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, और रिएक्टेंट हमारा क्या है, अभिकारक क्या है हमारा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर हो गया सी अल्फा सी अल्फा, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी दिया सी वन माइनस अल्फा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो ये सी और ये सी क्या हो गया, कैंसल आउट, क्योंकि सेम टर्म होने की वजह से। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर हो गया सी अल्फा स्क्वायर बटा वन माइनस अल्फा। इसी तरह हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ द इंडुआ।